नमस्कार दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर बूस्टर विथ मी संदीप मानो ऑफ नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू आठ नवंबर बोलते ही मित्रों कुछ याद आता है तो शुरू करते हैं आज का काम आज का पूरा एजेंडा आपके सामने है आज तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो गई भाई और वो सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे तो आइए जरा इन चीजों को ध्यान से देखते हैं समझते हैं एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा है क्या होने जा रहा है तो विथ योर परमिशन कैन आई बिगिन जितने भी स्टूडेंट्स आ गए एक बार जरा जोर से पूरे पूरे जोश से जरा कमेंट थ्रेड में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दो भैया उपस्थिति दर्ज करा दो भैया क्विक 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 ऑडियो विजुअल बराबर आ रहा है या नहीं ये भी जरा हमें बता दो भैया जल्दी जल्दी बता दो भैया आज हमारे एजेंडा में सबसे पहले है पेंशन स्कीम का झगड़ा ओल्ड वर्सेस न्यू ये मैं आपको बता दूंगा आरबीआई और यूरोप का एस्मा फाइनली दोनों में दोस्ती हो गई भारत का जीडीपी में इन्वेस्टमेंट रेट का कम रहने का क्या कारण है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10 प्रतिशत का रिजर्वेशन जिसे सवर्ण आरक्षण कहते हैं उसका निर्णय आ गया वो मैं आपको समझाऊंगा होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में एनपीआर की क्या बात हुई सीओपी 27 शुरू हो चुका है आज से छ साल पहले नोटबंदी की गई थी उस पर पूरी बात होगी कंपनियों में नौकरियों से निकालने का काम इलॉन मस्क के काफ़ी सारे अपडेट्स दिल्ली का पोल्यूशन ऐसे और एडिटोरियल आज का ऐसे और एडिटोरियल ई डब्ल्यू एच रिजर्वेशन पर ही है तो ये मैं पूरा कवर कर लूँगा तो शुरू किया जाए पूरे जोश में है कहीं कोई दिक्कत तो नहीं सब कुछ बराबर दिखाई दे रहा है सुनाई दे रहा है अरे हाँ सर सब एकदम बढ़िया चल रहा आप तो तुरंत बिल्कुल स्टार्ट कर दो फुल स्पीड में सर मतलब जो कहते हैं सबसे पहले आज मैं आपको ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम का अंतर समझा देता हूं प्यारे दोस्तों इस बात को समझिएगा ओल्ड पेंशन सिस्टम जिसको ओ कहा जाता है अभी चार राज्य उसे वापिस लेकर आए हैं राजस्थान छत्तीसगढ़ झारखंड पंजाब चारों अपोजिशन के द्वारा रूल्ड है बीजेपी के द्वारा रूल नहीं है मतलब बीजेपी लोकसभा चला रही है सरकार चला रही है तो अपोजिशन का मतलब है नॉन बीजेपी लेकिन यह जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था इसे दरअसल फर्स्ट ऑफ जनवरी 2004 से बदल दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा और उसको बदलकर न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी गई थी पेंशन रिटायरमेंट के लिए होता है अब 2022 में अनेक राज्य ओल्ड पेंशन सिस्टम को वापस लाने की बात कर रहे हैं तो इतने सालों बाद न्यू पेंशन स्कीम को छोड़ के ओपीएस पे जाने की बात क्यों नेचुरली एक पॉलिटिकल इश्यू है और चुनावों का माहौल और अगला बड़ा लोकसभा चुनाव भी आ रहा है ऐसे में बीजेपी पे भी बहुत दबाव होगा कि वो ओल्ड पेंशन सिस्टम है एग्जाम के लिए क्या जरूरी है वो समझ लो है ना हमारी ये सीरीज एग्जाम ओरिएंटेड है तो हम थोड़ा सा ओपीएस वर्सेस एनपीएस का आपको बिल्कुल बेसिक अंतर बता देते हैं दोस्तों इसको समझने के लिए आप इन दो टेबल्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो पुरानी पेंशन स्कीम थी जिसको 2004 में सरकार ने बंद किया उसमें एम्प्लॉय के वेतन से कुछ भी कटौती पर मंथ नहीं होती थी नई पेंशन स्कीम में इंप्लॉयी हर महीने अपनी सैलरी का 10 प्रतिशत देता है बेसी को दिएगा ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड मिलता था नए में नहीं मिलता है ओल्ड पेंशन स्कीम में यह एक सुरक्षित पेंशन योजना थी गारंटीड रिटर्न थे नए वाले में यह शेयर बाजार और बीमा कंपनियों में निवेश निवेश होता है तो उसमें कई बार रिटर्न्स कम भी हो सकते हैं आप समझ रहे हैं कहने का मतलब यह है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम थी वो सरकारी एंप्लॉज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद थी जो नई वाली पेंशन स्कीम है उसमें इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा है और रिटर्न्स 100% परसेंट गारंटी नहीं होने के साथ साथ ओपीएस तो से बहुत कम भी होते हैं अब समझ में आया आपको तो आखिर सरकार ने 2004 में ओपीएस बंद करके एनपीएस शुरू क्यों किया था वो इसलिए किया गया था कि सरकार का फाइनेंस पूरी तरह से बिगड़ गया था क्योंकि पेंशन आर पेड आउट ऑफ जनरल बजट लाइक सैलरीज आज के टैक्स पेयर आप और मैं सरकार के रिटायर्ड लोगों के पेंशन सालों तक पे करते रह जाते थे भारत की आबादी जैसे जैसे युवा से आगे बढ़ के बूढ़ी होती जाएगी आज भारत की मीडियन एज कितनी है 28 मीडियन एज का क्या मतलब होता है भारत के पूरे 138 करोड़ लोगों को एक सीधी लाइन में खड़ा कर दो जीरो डे वाली एज से लेके सबसे बुरा आदमी तो वो बीच में जो लाइन डलेगी वो 28 एज पे आएगी तो आज आपकी मीडियम एज 28 है लेकिन आज से 20 साल के बाद ये बहुत बढ़ जाएगी 35 चालीस तक जाएगी तो आप बूढ़े हो रहे हैं एज अ कंट्री हर देश के साथ यही होता है तो जैसे जैसे बूढ़े होंगे वैसे वैसे सरकारी इंप्लॉयज उनकी पेंशन बढ़ेगी तो सरकार का बजट बिगड़ेगा छोटे स्टेट्स में यह प्रॉब्लम ज्यादा आएगी डेवलपमेंट के फंड कम होंगे इस वजह से 2004 में फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से सरकार ने सब बदल के एनपीएस कर दिया था अब पूरा का पूरा ओपीएस का डिस्कशन वापस आ गया है और सब तरफ कर्मचारी बोल रहे हैं कि हमें आप ओल्ड पेंशन स्कीम में लेकर आओ तो क्या क्या आपको ओपीएस वर्सेस एनपीएस का फर्क समझ में आएगा इस पे एग्जाम में बन सकता है तो अपनी तैयारी रखिएगा और ये एक पॉलिसी मेकिंग का इश्यू मैंने आपको दो टेबल यहां दे दिए इसमें सब कुछ कवर्ड है बेटा ध्यान से पढ़ लेना तो एक बार कमेंट थ्रेड में मुझे मुझे बताइए आप में से कितनों को यह ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम वाला ये चक्कर पता था इसके बारे में कुछ और आपको एड करना है कॉमेंट थ्रेड में फटाफट करो मैं दूसरी न्यूज पर आ गया हूं आज की हमारी दूसरी खबर है जो हमने आपको कल पढ़ाया था कि जो यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी है उसने भारत की कुछ एंटिटीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया था मैंने बताया था ना डेटा शेयरिंग नहीं हो रही है वो खबर आने के बाद आरबीआई चौंका और आरबीआई ने एसमा के साथ बात की यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी कि साथ में बैठकर बेसिकली आरबीआई ने फोन लगा के उसको बोला लड़ाई लड़ाई माफ करो महात्मा गांधी जी को याद करो तो एस्मा ने कहा बिल्कुल सही है महात्मा गांधी को याद करो और उन दोनों ने अब निरीक्षण और ऑडिट की अनुमति को लेके कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाने की बात की है तो भारत के जो अलग अलग एक्सचेंजेस जिसका डेटा इसको चाहिए जिससे यूरोपियन कंपनियां लिंक्ड होती हैं जैसे कि बैंक जो भारत में काम कर रहा है ये वो झगड़ा था ये इतनी टिपिकल न्यूज है और ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था कि इस परीक्षा में सवाल बन सकता है कि यह एसमा और आरबीआई का झगड़ा क्या था आपको समझ में आ गया कहीं कोई डाउट इसको लेके पूरी तरह से क्लियर है प्यारे दोस्तों इस बारे में आपकी कोई भी राय है तो आप पूरा पूरा बताते चलिए कॉमेंट थ्रेड में और हमें जरा एक बार बताइए आइए कि भारत में जैसे सेबी है वैसा अमेरिका में कौन है सेबी का फुल फॉर्म क्या है वो भी बता दीजिए सेबी करता क्या है वो भी बता दीजिए हालांकि ये न्यूज एग्जैक्टली सेबी वाली नहीं है सेबी क्या है करता क्या फुल फॉर्म क्या और अमेरिका वाले सेबी का क्या नाम भी बता दो अब हम आते हैं आज की तीसरी खबर पर जीडीपी और इन्वेस्टमेंट रेट एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा आपने घबराना नहीं है जब हम जीडीपी की बात करते हैं प्यारे दोस्तों तो जीडीपी में मैं आपको कुछ बहुत बेसिक बातें बताने जा रहा हूं दो मिनट लूंगा और आपको बहुत क्लियरली फंडा एकदम समझ में आ जाएगा भारत वर्ष का जीडीपी आप जब कैलकुलेट करते हो नाइन्थ और तो टेंथ क्लास में आपको पढ़ाया गया है जीडीपी का टोटल कैलकुलेशन जब आप एक्सपेंडिचर वाला मेथड लगाते हो तीन मेथड होते हैं इनकम वाला होता है एक्सपेंडिचर वाला होता है प्रोडक्शन वाला होता है एक्सपेंडिचर वाला सबसे बढ़िया मेथड माना जाता है तो उसमें आपको पता है कि जीडीपी ऐसे कैलकुलेट होता है येस और नो जीडीपी एन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस ऑफ द फाइनल फिनिश गुड्स प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसको आप कंजम्पशन कहते हो आप और हम जो साल भर में टोटल खर्च करते हैं औसतन भारत में पैंतीस हजार करोड़ रुपया रोज खर्च हो रहा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सरकार जो करती है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट यह है आज का हमारा न्यूज इन्वेस्टमेंट रेट और नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट और ये भारत के लिए हमेशा से नेगेटिव होते हैं क्योंकि हमारा मर्चेंडाइज स्ट्रेट डेफिसिट ही चल रहा है लगातार करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है सरप्लस बहुत रेयरली होता है अगर आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन सकल स्थिर पूंजी निर्माण दर ये अच्छी नहीं रही बढ़ती नहीं रही तो आने वाले क्वार्टर्स में जीडीपी की ग्रोथ मॉडरेट हो जाएगी तो जीडीपी की ग्रोथ बढ़ाने का मैजिकल फॉर्मूला यह होता है बच्चों कि आपको किसी भी तरह से क्या करना पड़ेगा जल्दी से बताइए आपका जीएफसीएफ बढ़ाना पड़ेगा आ गई समझ में अब अगर जीएफसीएफ बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट रेट देखना पड़ेगा और सबसे बड़ा इन्वेस्टर भारत में है भारत का कॉरपोरेट लाखों करोड़ों रुपए निवेश करेगा निर्मला सीतारमन जी ने अभी पिछले दिनों में यह बोला था कि हनुमान जी को पता नहीं था जय हनुमान ज्ञान मेरे साथ साथ गाओ बेटा ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर जागर दूत अतुलित बल धामा तो निर्मला जी ने बोला कि हनुमान जी को खुद की ताकत ही नहीं पता थी जब कोई उसको बताता था उनको तो वो करते थे तो भारत के कॉरपोरेट हनुमान है उनको पता ही नहीं उनके पास ताकत है लेकिन निर्मला जी के बोलने से कुछ होगा नहीं कॉरपोरेट निवेश नहीं कर रहे यह बहुत बड़ी ट्रेजेडी है क्यों ट्रेजेडी है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2019 में कॉरपोरेट इनकम टैक्स के रेट को तेजी से कट कर दिया था लाखों करोड़ों रुपए का फायदा भारत के कॉरपोरेट को एक झटके में दे दिया था और बदले में यह बोला था कि तुम लोग अब निवेश करो लेकिन कॉरपोरेट ने अपने डेट चुकाने में पैसे का फायदा लिया अपने शेयर बायबैक करने में पैसे का फायदा लिया बचे हुए प्रॉफिट बढ़ गया था क्योंकि टैक्स कम हो गया था और अपने डिविडेंड बढ़ाने में फायदा लिया तो भारत के सारे टॉप कॉरपोरेट प्रमोटर पहले से और अधिक अमीर हो गए क्योंकि टैक्स कम कर दिए थे उन्होंने निवेश नहीं किया तो यह बहुत बड़ा नुकसान हुआ है भारत को कॉरपोरेट इनकम टैक्स घटाने से आपको बात समझ अब अगर हमारा इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ नहीं रहा है तो आगे जीडीपी में दिक्कत आएगी तो इसके आंकड़े हैं क्या कुछ जी हाँ उसके आंकड़े हैं जीडीपी का एनालिसिस ऐसे ही होता है बेटा आपको पूरा फंडा समझ में आ रहा है कि नहीं शुभम अग्रवाल जी ने अभी अभी पावर ऑफ टेन का सब्सक्रिप्शन रिन्यू किया है आपको बहुत बहुत स्वागत पढ़ते चलिए मिथिलेश बोलते हैं सर बहुत अच्छा गया सर, आपने बिल्कुल 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 जयेश बोल रहे हैं सर ये एसीबीसी क्या होता है बेटा दो मिनट में मैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पे आ रहा हूं आपको सब कुछ बता दूंगा लेकिन अभी आप थोड़ा सा ये जीडीपी वाला फंडा समझ लो यार पहले है कि नहीं और अपने जितने दोस्त हैं सबको साथ में लाइव क्लास अटेंड करने के लिए लाया करो यार मस्ती आएगी साथ में पढ़ेंगे तो दोस्तों ये है भारत का इन्वेस्टमेंट रेट याद रखना जीडीपी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये मैंने आपको इक्वेशन बताई थी ना जीडीपी की कोई जरा आप में से माइका लाल है कॉमेंट में जीडीपी वाली इक्वेशन लिख देना ये देख रहे हो बेटा दो हजार के बाद हमारा गोल्डन पीरियड आया था ये आप जीडीपी इन्वेस्टमेंट रेट देख रहे हो लेकिन उसके बाद जो गिरा 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 ये उठ ही नहीं रहा इसीलिए तो निर्मला जी इतना नाराज हैं कि जो नए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है कॉरपोरेट एज ए परसेंटेज ऑफ जी वो बढ़ ही नहीं रहे हैं लेकिन कॉरपोरेट का टैक्स घटा दिया सरकार ने ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो और पर्सनल इनकम टैक्स आपका मेरा बढ़ गया है तो एक तरफ से आपको और मुझको मार पड़ रही है कॉर्पोरेट की ऐश हो रही है तो फिर बदले में निवेश तो करो तीसरा चार्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ इंडियन कंपनीज ये देखो ये देखो लाखों करोड़ों का एक्स्ट्रा मुनाफा भारत के बड़े धन्ना सेठो को हो गया टॉप फाइव हंड्रेड टॉप थाउजेंड कंपनीज आपके सामने हैं सारे चार्ट उसके बाद प्रॉफिट्स रिटेन्ड एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये भी बढ़ गया डेट टू इक्विटी रेशियो आप देखो कर्जा अपना पूरा वो उतारने में लगे हुए हैं जो पैसा बचा उससे जबकि वो निवेश करना था सरकार ने ये बोल के टैक्स कम किया था तो सौ बातों की एक बात ये है कि ऐसा क्यों हुआ कॉरपोरेट मुंह से कुछ भी नहीं बोलते हैं कॉरपोरेट कुछ बोल सकते ही नहीं है बोलेंगे तो अगले दिन ईडी सीबीआई की रेड हो जाएगी ऐसा कहते हैं क्या पता होती है कि नहीं कॉरपोरेट का यह कहना है बिटवीन द लाइन्स कि जब मार्केट में कंज्यूमर डिमांड ही नहीं बढ़ रही है प्राइवेट फाइनल तो मैं और क्यों निवेश करूं तो पहले कंज्यूमर डिमांड बढ़ने दो फिर मैं तो यह तो चिकन एनेक की प्रॉब्लम है तो यह है भारत जी में इन्वेस्टमेंट की कहानी बात समझ में आ गई ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना समझ लेना और जब तक यह इन्वेस्टमेंट रेट नहीं बढ़ेगा भारत का जीडीपी स्टेडीली सेवन परसेंट पर एन से ग्रो नहीं हो पाएगा अगर नरेंद्र मोदी साहब ने जो लक्ष्य दो हजार काल दिया है कि हमें एक एडवांस कंट्री बनना है तो हमारा पर कैपिटा इनकम तब तक पंद्रह से बीस हजार डॉलर प्रति व्यक्ति होना चाहिए आज है बाईस तो, तो हमें दस गुना जाना है बिना सॉलिड इन्वेस्टमेंट रेट के जीडीपी बढ़ ही नहीं सकता आइडियली हर साल आठ परसेंट बढ़ना चाहिए अभी के हालात में छह सवा छः दिख रहा है जिससे बात बनेगी नहीं ये है पूरा राउंडिंग दी सर्कल आगे समझ में ताली बोलो संदीप सर जिंदाबाद ये थोड़े से जटिल कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इनको सरल तरीके से आपको समझाऊं अच्छे से पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए अब एक, एक न्यूज में मैं इसके साथ बहुत ज्यादा तो, तो रिजर्वेशन वगैरह अलग से डिटेल सेशन तीन घंटे का ढाई घंटे का चार घंटे का बना दूंगा बता देना कॉमेंट में इच्छा हो समय मिलेगा तो मैं बना दूंगा तो इसके ऊपर बहुत सारे अपडेट्स हैं और मैं आपको दो तीन मिनट में इसका पूरा जिस्ट समझा देता हूं आज का हमारा ऐसे सेशन के एंड में और दो एडिट भी इसी पे दिए हैं तो खूब पढ़ना आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी मैंने काफी सारे पन्ने आपके पढ़ने के लिए यहां लगाए हैं अब मैं आपको इसका पूरा जिस्ट समझा देता हूं ठीक है अच्छे से समझ लीजिएगा मैंने अलग से अपने नोट बना लिया क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है मेरा फेवरेट टॉपिक भी उस पर बहुत रिसर्च किया मैंने और भारत में कास्ट सिस्टम के ऊपर मैंने जाने कितनी किताबें ऑथेंटिक रिसर्च की अभी तक पढ़ ली हैं तो उससे चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आती हैं तो लाइफ टाइम का रिसर्च होता है अब मैं जो समझाने जा रहा हूं अगले से चार मिनट में सभी लोग बिल्कुल ढंग से समझें तो समझाना शुरू करूं कि एक बार पूरे जोश में बोलो भैया ये और नो यस और नो यस और नो यस और नो अमित पाटिल कहते हैं एडवांस कंट्री के लिए एजुकेशन भी एडवांस होना चाहिए कहने की जरूरत ही नहीं है होना ही चाहिए प्यारे दोस्तों तो अब मैंने न्यूज आइटम लगा दी है आज का स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके आप अच्छे से इसको पढ़ लेना कहीं भी ऑडियो विजुअल में दिक्कत तो नहीं आ रही ना आज आज हल्के हल्के थोड़े काले पट्टे दिख रहे हैं मुझे ऐसा होना नहीं चाहिए था पर हल्के हल्के से काले पट्टे थोड़े से हमारे वीडियो में आज आ जा रहे हैं आज पता नहीं क्यों ये इशू आ रहा है ऐसा नॉर्मली होता नहीं है ये शायद यूट्यूब की तरफ से कोई इशू कहीं पर रहा होगा इसको मैं ठीक करने का प्रयास कर सकता हूँ ये तो और काला हो गया भाई हाँ ये काफ़ी ठीक हो गया इसको और ठीक कर देते हैं थोड़ा सा बिल्कुल कर देते हैं ठीक थोड़ा सा क्या दिक्कत है ठीक कर देते हैं इसको ये हो गया ठीक क्योंकि फाइनली आप देख रहे हैं काले पट्टे आएंगे तो मजा नहीं आएगा ना आपको मेरे ख्याल से ये पहले से फ्लिकरिंग अब ठीक हो चुकी है परफेक्ट ठीक है अब मैं जो समझाने जा रहा हूं मैं बीच में कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा आप इसको दो तीन बार रिवाइज करके फिर देख लेना प्यारे दोस्तों हमारे संविधान में आरक्षण का प्रावधान ढाई साल डिबेट होने के बाद आया था जिसपे ढाई सौ लोगों ने बैठ के बहुत डिस्कशन किया था किसी एक के कहने से नहीं आया पहला पॉइंट रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसके लिए संविधान में एस ई बी सी कैटेगरी दी गई है यह भी पहला पॉइंट चल रहा है एसी का मतलब होता है बेटा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इसमें कहीं भी कास्ट का मेंशन नहीं है इसमें कहीं भी इकोनॉमिकली का मेंशन नहीं है कई लोगों को यह भयंकर धोखा है कि एसीबीसी मतलब सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड नो 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 इट इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड उसके बाद आने वाले सालों में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में यह आया कि भारत में एसीबीसी आइडेंटिफाई कैसे करोगे उसका सबसे अचूक मार्कर है जाति जाति व्यवस्था जो 2100 साल पहले बनी थी जब रत रथ का गला काटा था पुष्यमित्र शुंग ने मनुस्मृति लिखी गई थी और भारत में जातियां आई थी जो इतना स्ट्रांग सिस्टम है कि हम जेनेटिकली एक दूसरे से बहुत दूर है अलग अलग जातियों के लोग भारत में एक दूसरे से जेनेटिकली बहुत सेपरेट हो गए डीएनए एनालिसिस ने बताया जितना फिनलैंड का आदमी इटली वाले से जेनेटिकली डिफरेंट है वैसा भारत में जातियों में लोग डिफरेंट है क्योंकि शादियां नहीं होती है बिटवीन कास्ट इसलिए जीन्स वाइज अलग हो गए सब दो सालों में यह सब साइंटिफिक फैक्ट है पहला पॉइंट क्लियर तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि हाँ कास्ट इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई एसबीसी पहली बात क्लियर हो गई और उसमें इकोनॉमिकली नहीं था दूसरी बात नौकरियों में आरक्षण जो एससीबीसी को मिला यानी जातियों को मिला एससी एस ओबीसी वगैरह वो प्राइवेट सेक्टर में लागू नहीं है तो टोटल भारत में 45 करोड़ लोग काम करते हैं जिसमें सरकारी नौकरियां मुश्किल से तीन साढ़े तीन चार साढ़े चार करोड़ होंगी तो जब आप नौकरियों की बात करते हो तो आप टोटल नौकरियों के केवल दस परसेंट की 90 परसेंट प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन नहीं है यह दिमाग में बिठा लो तीसरी बात मेरिट का आर्ग्यूमेंट अक्सर दिया जाता आरक्षण ने बर्बाद कर दिया आरक्षण ने देश को नष्ट कर दिया आरक्षण ने तो नाइन्टी परसेंट प्राइवेट सेक्टर में तो आरक्षण है ही नहीं तो प्राइवेट सेक्टर ने गूगल क्यों नहीं बना लिया प्राइवेट सेक्टर ने स्पेस क्यों नहीं बना लिया प्राइवेट सेक्टर ने टेस्ला क्यों नहीं बना लिया प्राइवेट सेक्टर ने हार्वर्ड क्यों नहीं बना लिया वहां तो सब मेरिट ही मेरिट है चौथा पॉइंट कास्ट सिस्टम का ओरिजिन जो कि 2100 साल पहले से भारत में हुआ वो आज तक उतनी ही मजबूती से चल रहा है ये मैं नहीं कह रहा हूं ये सुप्रीम कोर्ट अपने अनेक वर्डिक्स में कह चुका और इसमें जस्टिस बेला एम त्रिवेदी मैडम ने खुद कहा है कि इसको तो डिनाय किया ही नहीं जा सकता ये इन्होंने कल कहा कि भारत में सदियों से चली आ रही जाति प्रथा की विभिषिका की वजह से आरक्षण लाने पड़ गए थे ताकि एस सी वगैरह को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले समझ में आ रही बात आपको तो। जाति प्रथा भारत से गई नहीं है आप अगर गांवों में जाके जातिवाद देखेंगे तो इतना भयंकर है आज भी कि अंबेडकर साहब का महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज मॉडल को रिजेक्ट करने का लॉजिक समझ में आता है बापू चाहते थे कि भारत में ग्राम स्वराज क्या अंबेडकर ने कहा आई विल नेवर लेट इट हैपन बिकॉज ऑफ ऑफ इंडिया आर पूल सुपरस्टिशन इग्नोरेंस एंड कास्टिस्ट हेल होल्स तो मैं अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा वहां पे और इसलिए हम वेस्टमिस्टर सिस्टम लाएंगे तो बापू का ग्राम स्वराज खत्म हो गया वेस्टमिस्टर आया इसीलिए आज हमारे यहां वेस्टमिंस्टर है आप समझ गए अगला पॉइंट रिजर्वेशन जो दिए गए हैं उनका लक्ष्य इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नहीं रहा है यह सब मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं इसके बाद आप अपने अपने कंक्लूजन निकाल सकते हो और आप मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हो मैंने जो इतने वर्षों में पढ़ा मैं तो वो बता रहा हूं और ये सब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से निकली हुई बातें रिजर्वेशन का लक्ष्य है सोशल अपलिफ्टमेंट इस पॉइंट को दिमाग में दस बार रिपीट करो आरक्षण आर्थिक उत्थान का जरिया नहीं थे कभी भी वो सामाजिक उत्थान का जरिया है तो किस तरह का सामाजिक उत्थान जो दरवाजे ताले लगा के 2000 सालों से बंद थे जो समाज अंदर ही नहीं आ सकते थे उनको अंदर आने के लिए उन दरवाजों को खोला गया इसका आर्थिक से कोई लेना देना नहीं है यह इसीलिए ईडब्ल्यू पे सबसे बड़ी बात यह थी कि फिर ईडब्ल्यू होना ही क्यों चाहिए आरक्षण पावर्टी के आधार से होना ही नहीं चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए अरे सैकड़ों सरकारी स्कीमें चल रही हैं पावर्टी एलिविएशन के लिए मनरेगा चल रहा है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम चल रहा है लोगों को फ्री गैस के सस्ते गैस के सिलेंडर उज्ज्वला में दे रहे हैं हर घर जल से नल ला रहे हैं अम्ब्रेला स्कीम्स वल्नरेबल्स के लिए ला रहे हैं ऐसी पांच स्कीमें हैं वो गरीबों के लिए ही तो है वो और किसके लिए है तो फिर या तो वो बंद कर दी जाए अगला पॉइंट क्रीमी लेयर और सेम फैमिली द्वारा दो पीढ़ियों से ज्यादा आरक्षण लेना यह गलत है ये हर कोई एग्री करता है ऐसे लोगों को बाहर करो 100 परसेंट इसमें क्या सोचना है ठीक उसी तरह जिस तरह भारत का एक या दो परसेंट सबसे अमीर किसान जो इनकम टैक्स नहीं भरता है उससे टैक्स लिया जाना चाहिए इसमें किसको दिक्कत है बिल्कुल अगली बात कास्ट सेंसस भारत में होता नहीं है इतना बड़ा हमारा कास्ट रिजर्वेशन का सिस्टम चल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट खुद बोलता है हम मानते हैं कास्ट की प्रॉब्लम है तो कास्ट सेंसस कराइए पिछली बार नाइनटीन में अंग्रेजों ने कराया था 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने करवाया और वो सारा रिपोर्ट छुपा दिया मोदी जी ने बोला हम कराएंगे कास्ट सेंसस आज बीजेपी बोलती कराना ही नहीं है तो देश को तोड़ देगा उसका कारण यह है कि अगर कास्ट सेंसस हुआ तो जिसे जनरल कैटेगरी आप कहते हैं उसके अंदर ओबीसी की पूरी संख्या सामने आ जाएगी और जो सवर्ण की तीन बड़ी जातियां हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनका टोटल नंबर सामने आ जाएगा वो नंबर कम है और ओबीसी बहुत ज्यादा है तो फिर ओबीसी पे जो 27 परसेंट की लिमिट है वो बढ़ाने की बात होगी और इस जजमेंट में बोल दिया है कि 50 परसेंट की लिमिट को चेंज किया जा सकता है और वो भी एक आर्टिफिशियल लिमिट थी इंदिरा मामला 92 तो इसलिए कोई कास्ट सेंसस कराने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है और फाइनली फिफ्टी परसेंट की सीलिंग एक आर्बिट्ररी लिमिट थी इसको चेंज भी किया जा सकता जो फैक्ट्स हैं मैंने आपको बता दिए इसके बाद आपको जो कंक्लू निकालने हैं आप निकाल सकते हैं मैं जानता हूं मैंने जो बोला है वो बहुत से लोगों को शायद अच्छा भी नहीं लगा होगा बट एज अ टीचर आई हैव टू गिव यू द फैक्ट्स राइट अब इन सब न्यूज आइटम्स को आप पढ़िएगा और समझिएगा और ये तो खुल के सरकार भी बोल रही है और सारा मीडिया भी बोल रहा है है कि ये जो 10 का है, का आरक्षण आरक्षण सवर्णों है पर इस हेडलाइन के विरोधाभास को थोड़ा सा कृपया समझिएगा अरे भाई मैं खुद एक सवर्ण हूं लेकिन इस हेडलाइन का विरोधाभास मुझे भी दिख रहा है आरक्षण का मतलब है ऐतिहासिक वंचितता से बाहर लाना तो सवर्ण ऐतिहासिकली वंचित नहीं रहे हैं उनके लिए सारे दरवाजे खुले रहे हैं जिसके लिए आखिरी हमारे सेशन का टाइम भी होता जा रहा है कास्ट कैपिटल इस पे थोड़ा रिसर्च कीजिएगा दो तरह की कैपिटल होती है एक होती है फाइनेंशियल कैपिटल एक होती है कास्ट कैपिटल बेसिकली रिजर्वेशंस इसलिए लाए गए थे कि एससी सी एस और तो बाद में ओबीसी मंडल कमीशन उनके पास कास्ट कैपिटल जीरो है तो उनके लिए दरवाजे ही नहीं खुलते

इनसे डिसएग्री करते हैं तो लॉजिकली इनका डिसएग्रीमेंट बताइए सारे तथ्यों का स्वागत है गाली गलौज के साथ कमेंट्स मत करना मेरी टीम को आप करना पड़ जाएगा तो यह है ईडब्ल्यू एस पे पूरा पूरा मेरा एनालिसिस आई होप आपको समझ में आ गया प्यारे दोस्तों इसको आप पढ़ लेना देख लेना और इसीलिए कास्ट सेंसस की मांग हो रही है मेरा पर पर्सनल ऐसा मानना है कि जितना जल्दी हो सके भारत का एक तो सेंसस पेंडिंग है वो कराओ और उसके साथ कास्ट सेंसस करा लो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे सबके नंबर सामने आ जाएंगे तो फिर उसके बाद प्रपोशन में आप कर दो अगर करना है तो और या तो आइडियली देश से रिजर्वेशन खत्म 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 करो करो करने करने के लिए, करने के लिए लिए कास्ट कास्ट सिस्टम सिस्टम को को आपको फंडामेंटल चेंजेस लाने पड़ेंगे समाज जिस दिन तैयार हो जाएगा कास्ट सिस्टम खत्म पचास साल में रिजर्वेशन खत्म अदरवाइज ये कॉज इफेक्ट के चक्कर में हम डिबेट में उलझे पड़े रहेंगे आई होप आपको सोचने के लिए फूड फॉर थॉट मिला अदरवाइज यू कैन थिंक यू वॉन्ट टू थिंक डेमोक्रेसी है सबको फ्रीडम है आंसर राइटिंग का कोर्स तीन दिसंबर से शुरू हो जाएगा जानकारी लें एनरोल करें नीचे लिंक दी हुई है होम मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट आ गई है आपके लिए बहुत काम की है क्योंकि इसमें आपको सेंसस एनपीआर एनसीआर और सीएए का रिविजन मिल जाएगा होम मिनिस्ट्री कह रही है कि मुझे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को फिर से अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि पिछले आठ सालों में 2015 में आखिरी बार हुआ था पिछले आठ सालों में भारत में बहुत चेंजेस आ गए हैं डेथ बर्थ माइग्रेशन और कोविड ने एक्चुअली बहुतों को मारा है तो बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया है आपको बात समझ गए कई लोगों को ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन पचास साल सत्तर साल हो तो गया अभी नाटक कब तक देखिए सवर्णों की कास्ट कैपिटल दो साल में बनी है नब्बे पीढ़ियां अवर्णों को कास्ट कैपिटल बनाने का सत्तर साल मिला है दो पीढ़ियां लॉजिक लगाओ और सोचो कि कब तक जरूरत है आपके ऊपर है लोग हो सारे मुझे ज्यादा हाँ मिस यूज नहीं होना चाहिए एक ही परिवार में बार बार जा रहा है वो तो गलत ही है ना वो तो मैं भी बोल चुका हूं बाहर करो उनको आपको समझ में आ गई पूरी बात आई होप दिस इज एब्सोलूटली क्लियर बाकी आपकी राय का स्वागत है यार आप मुझसे डिसएग्री करो कोई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है आप बोलो नहीं सर हम नहीं एग्री करते अच्छी बात है यार मतलब आप सोच रहे हो दोस्तों सेंसस और एनपीआर के बीच का अंतर ये टेबल यार तुम है ना पूरा पढ़ लेना एग्जाम के लिए तुमको बहुत फायदा होगा सेंसस 1948 से सेंसस बना सिटीजनशिप रूल 2003 से सिटीजनशिप के ये सारे एनपीआर बने इससे आगे एनआरसी आएगा और इससे पूरा भारत का पॉलिसी प्लानिंग होता है अब मजे की बात ये है कि सरकार 2021 का सेंसस ही नहीं करा रही है उसका कारण भी मैं आपको बता दूं अभी जो मैंने इतना बड़ा ज्ञान दिया ईडब्ल्यूएस का जैसे ही सेंसस की घोषणा होगी कास्ट सेंसस की मांग आएगी कि एक एक जाति का एन्यूमरेशन हो सरकार वो अभी नहीं कराना चाहती है सारी पॉलिटिक्स बिगड़ जाएगी यूपीए ने भी करा के डेटा छुपा लिया एसी उसमें असली डेटा तो बाहर ही नहीं आया चिदंबरम जी ने प्रणब मुखर्जी जी आपको प्रणाम करते हैं स्वर्ग में आप सुखी रहें सर आपकी आत्मा हमेशा प्रभु सदगति प्रदान करें सोनिया तो गांधी जी इन लोगों ने वो डेटा बाहर ही नहीं आने दिया सेम विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट तो ये बड़ा इश्यू है का। लेकिन अल्टीमेटली किसी ना किसी को तो करवाना पड़ेगा आज नहीं तो कल दस साल बाद बीस साल बाद तीस साल बाद आप समझ रहे हैं मेरी बात और मैं तो, तो पूरी तरह से बोल रहा हूं रिजर्वेशन नष्ट कर दो भारत में उसके लिए पहले कास्ट सिस्टम नष्ट करना पड़ेगा कास्ट सिस्टम नष्ट करने के लिए कास्ट की बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा समाज जिस दिन उसके लिए तैयार होगा हम अंतोनियो गुतेरी दुखी यार इस आदमी का दुख मुझसे सहन नहीं होता और ये भी मुझे लगता है कई बार ये सोचता होगा ये आदमी ये दुख काहे खत्म नहीं होता रे तो उन्होंने ये कहा है कि मानवता नष्ट होने जा रही है और हमारे पास कोई टाइम ही नहीं और हम लोग क्या कर रहे हैं और हमें अब कुछ करना चाहिए सर हम सब आपके साथ हैं पूरी तरह से आपके साथ है सीओपी ट्वेंटी सेवन हुआ है हालांकि दुनिया के कई बड़े नेता इसमें जा नहीं पाए हैं लेकिन फिर भी एक मैसेज दुनिया को जा रहा है कि भाई क्लाइमेट एक्शन इज इंपॉर्टेंट अमीर देशों ने फंडिंग नहीं की उसके ये सारे चार्ट्स से मैं आपके साथ पिछली दो क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं मैं आपको ये सारा बता भी चुका हूं तो प्यारे दोस्तों अमित पाटिल जी ने कमेंट किया है। मैं उस कमेंट का पूरा समर्थन करता हूं मेरे प्रदेश में एक दलित परिवार गांव के बाहर रहता था ये एक्चुअल कहानी बता रहा हूं पिछले दो साल पहले की क्यों बाहर क्योंकि गांव में अलाउड ही नहीं था उसको ये 2020 का भारत उन दलितों के दो बच्चे टट्टी करने मैदान में जाते थे क्यों क्योंकि पंचायत ने टॉयलेट बनाने का पैसा जो मोदी सरकार ने भेजा था दलितों को दिया ही नहीं तू दलित है तेरा कहकर टॉयलेट भाग वो दो बच्चे टट्टी करने मैदान में जाते थे एक दिन किसी सवर्ण के मैदान में चले गए उसने उनके सिर पर लाठियां मार के दोनों बच्चों को मार डाला की तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे यहाँ के टट्टी करने की ये भारत की सच्चाई है आप इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते बड़ी भीषण सच्चाई है जब तक ये सच्चाई है तब तक दूसरी सच्चाइयां जिंदा रहेंगी आपको बात समझ में आ गई और इन प्रिंसिपल रिजर्वेशन हट जाने चाहिए मैं आपके साथ हूं लेकिन फिर सच्चाई भी तो है ना भैया मेरे बिलियनर्स के बारे में ऑक्सफैम की तो बड़ा छत्तीस का ही आंकड़ा चलता है गुरु आज का सेशन लंबा हो रहा है माफी चाहता हूं पांच मिनट में रैपअप करूंगा यह आप जरा पढ़ लेना है यह बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के 125 सबसे अमीर अरबपति ऑन एन एवरेज एक कंपनी में ढाई ट्रिलियन डॉलर के आसपास का इन्वेस्टमेंट कंट्रोल करते हैं और एक साल में तीन मिलियन टन सीओ टू एमिशन करवाते हैं आप और हम लाखों जीवन ले लें तो भी हम इतना सीओ टू नहीं करेंगे तो अगली बार कोई बिलियनियर क्लाइमेट चेंज पे ज्ञान देता दिखे तो ये आप थोड़ा उसको बता दीजिएगा बात समझ में डीमोनेटाइजेशन के साल हो गए मित्रों रात बजे से रद्दी के नोट हो जाएंगे छह साल पहले चार सौ चालीस का झटका मोदी जी ने दिया था कस के सबको लपक के घर में शादी है पैसे नहीं है मां बीमार है पैसा नहीं है 9 नवंबर 2016 की खबर आपको पहले दिखा देता हूं यह बड़ा अच्छा न्यूज कंपाइलेशन है अब यह एक ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर सब लोगों की राय अलग अलग है इसलिए वो सबको अपना अपना अधिकार है कई लोग बोलते हैं कि डिमोनेटाइजेशन बहुत अच्छा हुआ कई लोग बोलते हैं कि सब बर्बाद हो गया आपको अपना सत्य खुद ढूंढना है देखो ये 9 नवंबर 2016 का इंडियन एक्सप्रेस है द ग्रेट कैश क्लीनअप आठ नवंबर 2022 का अखबार है आज का प्रॉपर्टी की 44 प्रतिशत डील्स में आज भी लपक के कैश का इस्तेमाल हो रहा हो रहा है अब इन दोनों को साइड में साइड में रख लो और खुद ही देख लो कि क्या हुआ है सच्चाई है वो आपकी आंखों के बाकी कंक्लूजन आप अपने निकाल लो यार गुरु यह नौ नवंबर 2016 का राजस्थान पत्रिका है यह 8 नवंबर या 7 नवंबर 2022 का अखबार है ये मैंने कल पढ़ाया भी था अरुण जेटली साहब ने डीमोनेटाइजेशन से सबको जबरदस्त फायदा होगा ये दावा किया था और डीमोनेटाइजेशन के कुछ घंटे में ही पेटीएम वाले ने फुल पेज पे सारे के सारे फ्रंट पेज पे विज्ञापन छाप दिए तो बड़े कमाल की बात है सिर्फ दो चार घंटे में एड बन भी गया सारे अखबारों में छप भी गया बड़ी एफिशिएंट कंपनी है वैसे पेटीएम एक चाइनीज मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग वाली कंपनी है ये आपको मालूम होना चाहिए दिसंबर 2016 में जब पूरा भारत लाइनों में लगा हुआ था तो प्रधानमंत्री जी थोड़े से इमोशनल हो गए थे उन्होंने ये कहा भारत जोड़ो यात्रा चलाने वाले राहुल गांधी जी ने आज ये वीडियो जारी किया है कंपेयर करके आप देख सकते हैं इस तरह की तस्वीरें तब काफी आम थी कई लोग इसमें मारे गए लाइनों में खड़े खड़े श्वेता सिंह जी ने हमें समझा दिया था कि नैनो चिप लग चुकी है नोटों में और उन्होंने पूरा डिटेल वीडियो में भारत भारत के करोड़ों लोगों को कन्विंस किया कि नैनो चिप है हजारों नोट होंगे नीचे होंगे सैटेलाइट होगा पकड़ लेंगे काला धन और सारे भारत ने मान भी लिया और भी कई सारे थे जिन्होंने बोला कि जीपीएस चिप्स के साथ नए नोट आ चुके हैं भारत ने मान लिया सोनम गुप्ता बेवफा है ये नोट उस वक्त का एक बहुत बड़ा मीम बना तो इतने दुख के बीच में हंसी और फव्वारे भी लगे ठहाके ये भाई साहब इंडिया में वर्ल्ड फेमस हो गए क्यों हो गए मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है हमारे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने कहा नोटबंदी का बहुत बड़ा फायदा यह है कि प्रोस्टिट्यूशन कम हो गया है भारत में यह सब ऑथेंटिक न्यूज आइटम्स हैं तो नोटबंदी देश के लिए अच्छी रही या नहीं यह आपको तय करना है ओरिजिनल स्टेटेड गोल्स अचीव हुए या नहीं ये आपको तय करना है डिजिटल इंडिया और यूपीआई की सफलता मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है वो तो वैसे भी होती और पैंडेमिक ने उसमें 440 सौ चालीस दिए और आज यूपीआई वर्ल्ड बीटर बन गया बट वेदर डिमोनेटाइजेशन वॉज द वे टू गेट to एनफोर्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी शटिंग डाउन आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दैट सो दिस विल रिमेन एंड बरसों तक डिबेट चले है ना तो हम हर साल आठ नवंबर को ये डिबेट आपके साथ करने आ जाएंगे बात समझ में आ गई <laughs> नैनो चिप गजब यार भाई साहब भारत के लोग हर चीज मान लेते हैं चौदह नवंबर को शाम को सात बजे हमारी अगली बैच पावर पैक की आ जाएगी नीचे एनरोलमेंट की लिंक है फटाफट एनरोल करो बेटा हजारों हजारों इंप्लॉईज कई कंपनियां निकालते जा रही हैं क्योंकि इजी मनी पॉलिसी खत्म हो चुकी है और इस वजह से आने वाले समय में अगर आपके पास एक कॉरपोरेट जॉब है खासतौर पर उसको पकड़ के बैठना नकरे मत करना नौकरी छोड़ना मत क्योंकि जो मेटा जैसी सी कंपनियों को भी स्ट्रगल हो रही है और भारत में एटेक में लगातार ले हो रहे हैं यह ट्रेंड बढ़ेगा अभी एक साल उसके बाद स्टेबिलिटी आएगी तो अगर आप एक वेल पेड जॉब में हैं तो भैया उसको छोड़िए मत आप गलती हो जाएगी नहीं तो आपसे दीपक यादव जी आपका पॉइंट इज नोटेड थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच अभी मॉर्निंग बैच नहीं है दोस्त अभी इवनिंग बैच ही है इलान मस बहुत महान आदमी है मैं उसके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं ब्लू टिक का ऐसा रामायण कांड खोल के रखा है भाई ने कि पूछो मत और पूरी दुनिया को ब्लू ब्लू टिक ब्लु टिक ब्लू टिक ब्लू टिक के डिस्कशन में उलझा दिया है उसके अलावा यह आदमी इतना बड़ा व्यापार करता है और पॉलिटिक्स में सीधे सीधे उस आग में हाथ डाल देता है कल उसने अमेरिका के लोगों को बोला सब लोग जाओ और रिपब्लिकन पार्टी को वोट देकर आओ मतलब डोनाल्ड ट्रंप को फिर उसको समझ में आ गया कि गलती हो गई तो उसने बोला नहीं 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 मैं खुद तो डेमोक्रेट्स को ही देता हूं जय हो इलॉन मस्क इलॉन मस्क ने शायद इतना ताकतवर आदमी ही कर सकता है एडोल्फ हिटलर के प्रति शपथ लिए हुए नाजी सिपाही का एक मीम बना के बिल्कुल लाइट हार्टेड तरीके से जारी कर दिया मुझे पता नहीं कि आज दुनिया के ताकतवर लोग क्या नाजी एडोल्फ हिटलर इनके ऊपर मीम्स और जोक्स इस तरह से शेयर कर सकते हैं क्योंकि वो भयानक का युग अगर इनको लगता है सिर्फ एक जोक था तो फिर मैं कुछ भी कहने की स्थिति में हुई नहीं प्यारे दोस्तों दिल्ली के पोल्यूशन पर एक अपडेट और है इसको आप पढ़ लीजिएगा आज का हमारा ऐसे ईडब्ल्यू एस रिजर्वेशन पे बहुत बढ़िया ऐसे है इसको पढ़िएगा दोनों एडिट्स भी ईडब्ल्यू एस पर हैं फैजान मुस्तफा साहब एक्स वीसी लॉ पर इनकी पकड़ अद्वितीय है आप इनके वीडियो देखा करें इनके आर्टिकल्स पढ़ा करें फैजान साहब ने कुछ लिखा है तो वो सही ही होता है आप ये एडिट पढ़ेंगे आपको ईडब्ल्यू एस का पूरा फंडा समझ में आ जाएगा और ये दूसरा है लेट्स बी क्लियर ऑन कोटास इसको देखिएगा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सब स्टूडेंट्स को बता दूं दस साल दस साल दस साल का रोना बहुत लोग रोते हैं आरक्षण में दस साल की लिमिट केवल एमपीज और एमएलए की कॉन्स्टिट्युएसी में एससी एस रिजर्वेशन के लिए थी जॉब्स और एजुकेशन में दस साल की लिमिट ना तब थी ना आज है इट वॉज ओनली फॉर दी कॉन्स्टिट्युएंसी डिटर्मिनेशन और इसीलिए हर दस साल में संसद में वो दस साल आगे बढ़ा दी जाती है आठ बार बढ़ाई जा चुकी है अभी तक सात बार जॉब और एजुकेशन के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लगता क्योंकि उसकी कोई टाइम लिमिट थी ही नहीं तो अगर आपको वो गलत फहमी है तो प्लीज उसे दूर कर लीजिए क्योंकि वो गलत फहमी ही है तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं कैसा लगा आपको सेशन तो हमारी दोनों नई बैचेट आ रही है उनको जरा बढ़िया आपका सपोर्ट मिल जाए नीचे एनरोलमेंट की लिंक्स दी हुई हैं तो प्यारे दोस्तों आज की सबसे बढ़िया न्यूज आपको कौन सी लगी बताइएगा और हंड्रेड में से मार्किंग तो आपको करनी ही है कल शाम को पांच बजे आपसे फिर भेंट करेंगे आज काफी लंबा चल गया सेशन नॉर्मली हम पच्चीस मिनट में रैपअप करते हैं नमस्कार जय हिंद